हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु अग्निवीर की भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। न्यू नोटिस ये रिलीज हुआ है 2023 के लिए, जो अग्निवीर वायु की भर्ती की जानी है, इसका नोटिस इसकी ऑफिशियल साइट पर रिलीज कर दिया गया है। ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं एंड 12th पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किस सब्जेक्ट से आपने 12th पास आउट किया हो तो ही अप्लाई करेंगे, या सभी सब्जेक्ट्स के जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने 12th किसी भी स्ट्रीम से किया हुआ है, क्या वो भी इसमें एलिजिबल हैं? तो यस, आपने 12th किसी भी सब्जेक्ट से किया हुआ हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अग्निवीर वायु के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकेंगी। ओके, सो चलिए पहले मैं आपको इसका जो नोटिस आया हुआ है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, उसके बाद हम इसके डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेंगे। सो देखिए, ये इसका शॉर्ट नोटिस है, आप इसकी ऑफिशियल साइट पर देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर स्टार 01/2023 फॉर आई अग्निवीर वायु इनटेक 01/2023 विल ओपन इन फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2022। इसके जो रजिस्ट्रेशन है नवंबर 2022 में स्टार्ट हो जाएंगे, नवंबर के फर्स्ट वीक में, फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन मिड जनवरी 2023 के मध्य में, यानी 15 से 20 तारीख के बीच में आपके इसका जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका रहेगा। ओके, सो इसके जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन स्टार्ट होंगे, आप इसकी ऑफिशियल साइट पर इसकी डिटेल भी चेक कर सकेंगे। नवंबर फर्स्ट वीक में इसके स्टार्ट होंगे, तो अभी आपके पास 1 मंथ से ज़्यादा अभी आपके पास टाइम है रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहें तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, प्रिपरेशन आप इसके लिए कर सकते हैं। चलिए अब हम इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, सारे जो भी एज लिमिट या क्वालिफिकेशन को लेकर के सारे पॉइंट्स आपके क्लियर करती हूँ। चलिए देखते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर भी हम देखेंगे। सो यहाँ पर ये ओल्ड नोटिफिकेशन है जो पहले रिलीज़ हुआ था, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा ऑफिशियल साइट से, जो कि नवंबर में स्टार्ट होंगे। फ़ीस यहाँ पर आप देख रहे हैं ₹250 एप्लीकेशन फ़ीस, यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ीस दी गई है ₹250 रहेगी। एंड आपका यहाँ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे वो भी यहाँ पर दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहेगा उसमें आपका क्या रहेगा, इसमें फेज़ फर्स्ट होगा, फेज़ सेकेंड होगा, देन मेडिकल टेस्ट होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशंस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले तो आपका बर्थ डेट क्या होना चाहिए, तो बर्थ आपका जो भी 2023 में आ रहा है तो उस हिसाब से देखा जाएगा, लेकिन आपकी एज 17 से 23 साल आपकी यहाँ पर एज होनी चाहिए तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकेंगे। क्वालिफिकेशन साइंस सब्जेक्ट से अगर आप हैं तो कैंडिडेट शुड बी पास्ड इंटरमीडिएट, यानी 12th आपका होना चाहिए मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड इंग्लिश फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड लिस्टेड ऑफ COBSE मेंबर विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए एग्रीगेट एंड इंग्लिश में भी आपका 50% होना चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। या फिर आपने 3 साल का डिप्लोमा कोर्स किया है इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल कंप्यूटर साइंस, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, तो भी इसमें अप्लाई करेंगे। इसके अलावा 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स अगर आपने किया है विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथ्स के साथ, तो भी अप्लाई कर सकेंगे। और अगर आपका साइंस सब्जेक्ट ही नहीं है, किसी अदर सब्जेक्ट से आपने अपना 12th किया हुआ है, तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए और इंग्लिश में भी आपका 50% होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो ये थी आपकी क्वालिफिकेशन और एज। अब यहाँ पर फिजिकली यहाँ पर रिक्वायर्ड रखी गई है हाइट 152.5 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है, चेस्ट यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। वेट आपका जो हाइट रहेगा उसके अकॉर्डिंगली रहेगा। ओके, एंड मेडिकल कंडीशंस भी यहाँ पर दी गई है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका यहाँ पर रहेगा फेस फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट होने में जैसे कि साइंस सब्जेक्ट्स है तो साइंस सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन 60 मिनट का रहेगा। इंग्लिश फिजिक्स मैथमेटिक्स एज पर 12th लेवल पर अगर आपका है तो इसमें आपका 12th सिलेबस आएगा, 3 सब्जेक्ट से रहेगा, 60 मिनट का टाइम रहेगा। अदर देन साइंस सब्जेक्ट, जो साइंस सब्जेक्ट से नहीं है, टोटल ड्यूरेशन यहाँ पर 45 मिनट, एंड इसमें इंग्लिश एंड जो भी आपका रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस रहेगा उससे क्वेश्चन आएंगे।
साइंस सब्जेक्ट्स एंड अदर देन सब्जेक्ट्स यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है, आप ओल्ड नोटिफिकेशन इसमें देख सकते हैं, पहले ही मैंने वीडियो अपलोड किया था उस टाइम और उसमें आपको बताया था। इसमें नेगेटिव मार्किंग, जीरो मार्क फॉर अन अटेम्प्ट क्वेश्चन, यानी अगर कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो कोई भी माइनस मार्क नहीं होगा, लेकिन अगर आप कोई रॉन्ग आंसर कर देते हैं 0.25 मार्क माइनस किया जाएगा और करेक्ट आंसर पर 1 मार्क आपको दिया जाएगा। फेज़ वन जो क्लियर होगा उसके बाद फेज सेकेंड होगा, ऑनलाइन टेस्ट आप फेज़ फर्स्ट जो क्लियर कर लेते हैं उसके बाद फेज सेकेंड, एंड यहाँ पर पूरा डिटेल यहाँ दिया गया है। ये ओल्ड नोटिस है, आप सभी ने इसको रीड आउट किया होगा, अगर आपने इसमें अप्लाई किया है या आपने पहले सोचा हो अप्लाई करने का तो आपके इसके कंडीशंस पता होंगे, लेकिन अगर आप आगे जो नोटिफिकेशन आया हुआ है अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आएगा मैं उस पर भी वीडियो अपलोड करूंगी। सैलरी को लेकर के पूरा अग्निवीर पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें आपकी सैलरी क्या रहेगी, कैसे दी जाएगी, मैं पूरा डिटेल मैंने बताया। फेज फर्स्ट, फेज सेकेंड, फेज थर्ड में होगा फिजिकल टेस्ट आपका एंड देन होगा मेडिकल। ओके, सो अगर आप 12th पास आउट हैं किसी भी सब्जेक्ट से हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट नोटिस इसका रिलीज हो गया है, नवंबर फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, आप चाहें तो इसकी ऑफिशियल साइट पर अपडेट रहिएगा, और अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा मैं वीडियो अपलोड करूंगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।